नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आया हूँ। जी हाँ बिल्कुल, वहीं जहाँ आपको सदैव इंतज़ार रहता है। और इस बार निश्चित तौर पे कहानियों के साथ आया हूँ, और तो कहानियाँ मैं नहीं सुनाऊँगा, कहानी सुनाएंगी आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे मौजूद हैं। उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आप तक सुपुर्द करना चाहेंगे, तो तैयार हैं? जी हाँ, मैं उनके विषय में जितना कहूँगा उतना ही कम। वे वर्तमान में नंदन से जुड़ी हुई थीं, सहायक संपादक के तौर पे थीं। पिछले 34 वर्षों तक नियमित पत्रकारिता से जुड़ी रहीं, बड़ों व बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, और विशिष्ट व्यक्तित्व या व्यक्तित्वों के लिए से वो बात ऐसे करती हैं जैसे कि कहा जाए कि उनके हृदय में उतर जाएं। जी हाँ, टीवी सीरियल हो, फिल्मी जितने कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, गायक हैं, नर्तक है आदि, नामी गिरानी जितने भी जो लोग हैं, हस्तियां हैं, उनसे बचे नहीं हैं। जी हाँ, उन्होंने उनका प्रोफाइल छापकर उन्हें फेमस भी किया है, बच्चे भी उसमें शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों पर उन्होंने बहुत काम किया है, हिंदी में एमए उन्होंने किया है, साथ साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय से चिल्ड्रन बुक पब्लिशिंग में उन्होंने विशेष तौर पर 2 वर्षों का पीजी डिप्लोमा भी किया है। इसी के बाद उनके मन में महिलाओं की जानी मानी पत्रिका गृह शोभा, जी हाँ आप परिचित होंगे उससे, उसे छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। हिंदुस्तान टाइम्स की पसंदीदा पत्रिका नंदन में उन्होंने पिछले 22 वर्षों तक लगातार बच्चों के साथ काम किया है और बच्चों के लिए काम किया है। आपने भी उनके द्वारा लिखे लेख, कहानियां आदि अवश्य पढ़ी होंगी। वह स्कूलों में स्टोरी टेलिंग वह जज के रूप में भी जाती रही हैं, और आपको और भी बहुत सारी जानकारियां हैं उनके विषय में मैं साझा करना चाहूंगा, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं मैं उन्हीं मंच पर पुकारूं। जी हाँ, मैं सीधे मंच पर पुकारना चाहूंगा मैम सुनीता तिवारी जी को। मैम आपका नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, और विश्वास मानिए आपको पाकर हम लोग धन्य हुए हैं, और आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है जब तक कहानीकार को आप सही से नहीं जानेंगे तो उनकी कहानियों को भी नहीं समझ पाते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपके विषय में जानना चाहेंगे मैम कि आप कहानी लेखन की ओर कब मुड़ी? अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगे तो कहानी लेखन की तरफ तो मैं बहुत बचपन से मुड़ गई थी। मैं जब 5वीं क्लास में थी तो मुझे नृत्य, संगीत, हर ड्रामा, हर कवाली, हर चीज में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। तो हमारे एक सर हुआ करते थे जो हमें कवाली और गाना ये सब सिखाते थे, म्यूजिक सर थे हमारे, एक नाम तो मुझे उनका भी याद नहीं है। तो उन्होंने हमें उस स्कूल में, स्कूल टाइम में, हम एक एक पुस्तक सब बच्चों को बोला कि आप लोग ये खरीदो, ये मैंने लिखी है। और मेरे लिए वो बहुत अचंभे की बात थी, मैं 5वीं क्लास में बहुत छोटी थी, मुझे लगा ये सर, इन्होंने ये सारे गाने लिखे हैं इतनी सारी किताब में, तो मैं भी लिख सकती हूँ अगर इन्होंने लिखे हैं तो, ये तो हमें सिखाते हैं। तो वो जो गाने थे मैं बहुत ध्यान से, कवालियां, और वो मुझे आज भी जहन में याद है कुछ चीजें, तो मैंने सोचा कि मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने कॉपी में धीरे धीरे गाने और कवालियां, और उस दौर में जब मैं 5th क्लास में थी उस टाइम में मुझे नहीं पता था किस तरह से छपवाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, ज्यादा नहीं पता था इस बारे में। तो थोड़ा थोड़ा जब मेरी इच्छा होती थी कवालियां, गाने, कुछ भी मन जो भी मन में आता था लिखती रहती थी मैं।
लेकिन मैंने कभी छपाया नहीं था। लिखने की तरफ तो मैं इसमें गृहशोभा में आने के बाद ही जुड़ी करा मैंने उस, फिर तो मैंने मुक्ता, चंपा, गृहशोभा, सरिता सबके लिए, वुमेन जरा सबके लिए काम किया है, सबके लिए, और बहुत अच्छे से नौकरी जब तक की है अपना, मैंने 34 साल तक नौकरी की है, और वो नौकरी के दौर में मैंने पूरा अपना पूरी तरह से नौकरी को ही समर्पित रही हूँ। तो मेरा एक शायद ये मेरे को बहुत इस चीज की संतुष्टि है कि मैंने काम अपना बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया। बिल्कुल, कहा जाता है जहाँ ईमानदारी हो वहाँ चीजें अपने आप बेहतर हो जाती है। मैम, आप कहेंगे कि आप कहानियां भी चले, परंतु उससे पहले एक प्रश्न है, ये है खास करके हिंदी के प्रति अक्सर जो होता है वर्तनी काफी असुविधा होती है। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है जहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो गई नहीं होनी? अक्सर कहते हैं कि वर्तनी में अशुद्धि है तो क्या हुआ, है ना? जी जी, ऐसी कोई घटना घटी है? बहुत बहुत बारी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बड़े बड़े लोगों को हैरान हो जाती हूँ देख के कि ये इन्होंने हिंदी में वर्तनी की इतनी गलतियां करी कैसे। मतलब आप एक तरफ तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाना आपके इसमें भी टोन लगी हुई है, हम कहते हैं हम हिंदी हैं, हम हर 26 जनवरी 15 अगस्त में गाना सब शायद सब नहीं गाया होगा, बच्चों से लेके बड़े तक सब गाते हैं, पर हिंदी से पता नहीं क्यों इतना कतराते हैं, हिंदी की वर्तनी की गलतियां पता नहीं कैसे इतनी सब लोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जो कि बहुत ही बच्चों को शायद एकदम बच्चे क्या, अभी शिक्षण ग्रुप है जो हमारा शिक्षण मंच है, इस पे शायद शिक्षकों के लिए भी बहुत ज्यादा ये चीज अच्छी रहेगी। एक दफा की बात है, मैं क्योंकि जैसे स्कूल वगैरह में जाती रहती हूँ आपको बताया, तो एक स्कूल में एक निबंध दिया गया बच्चों को लिखने के लिए, माँ पे निबंध लिखिए। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से कि माँ पे क्या लिखना मुश्किल है, सब घर की चीजें हैं, सब लिखना स्टार्ट किया। तो जब एक पहले ही एक बच्ची का निबंध जब पढ़ा गया, तो उसकी पहली पंक्ति थी कि मरी माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। तो जब अध्यापिका देखने लगी तो उन्होंने कहा इसको तो पढ़ना ही बेकार है, पहली पंक्ति। उसने बच्चे से पूछा आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपने अपनी माँ को पहली पंक्ति में ही मार दिया, तो आगे इसको पढ़ना ही व्यर्थ है। तो या तो उसको कहा जाए कि बच्चे को उसका कचरा ज्ञान था, मात्राओं का ज्ञान नहीं था, उसको नहीं पता, या इतनी लापरवाही हिंदी के साथ होती है कि कितनी बड़ी बात है। और ये सबक सब बच्चों तक जाएगा, एक मात्रा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप कहाँ तो अब मेरी माँ कहना चाह रहे हैं, कहाँ मरी माँ, माँ को ही मार दिया उसने। तो इस तरह की वर्तनी की अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके हम लोग शिक्षक के प्राय अधिकतर शिक्षक हैं, यहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग ये नहीं कहता कि एकदम पूरी तरह से उस पर काबिज हो जाए, परंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ तक पहुंचे, खास करके ये बचपन में हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं लोग तो वहां पे चीजें बदलने में काफी असुविधा होती है। इसलिए वर्तनी में, चारण में जितना हो सके ये बालपन में कार्य करने की आवश्यकता है, बच्चों के साथ काम करने की आवश्यकता है, और उन्हें प्रेम करवाने की ये जो है ना ये शक्ति होनी चाहिए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई बड़े हैं अलग कहानी है, चर्चाएं होती रहेंगी। मैम, आज हम आपको कहानियां सुनना चाहते हैं और हम लोग सभी लालायित हैं, आपको सीधे बुलाना चाहेंगे आपकी कहानियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तैयार रहिए, सुनीता है हमारे साथ कहानियों के साथ। स्वागत मैडम। जी जी, एक सेकेंड। अब मैं पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत छोटी सी कहानी है, और बच्चों को कहानी कहानी में बातों बातों में सीख भी दे जाती है, और शायद आज के बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं, जो मैंने काफी पहले लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ। ले लो चुग्गा पी लो पानी, इसका मैंने नाम रखा है, चुग्गा मीन्स दाना। ले लो चुग्गा पी लो पानी। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे खूब धूम मचा कर मस्ती कर रहे थे, इतने में लाल रंग की रेड़ी लेकर आइसक्रीम वाला आया। नील, अमित, राघव, कंगना, आयुष और दिया ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। मजे से खाते खाते एकाएक अमित की बची हुई ऑरेंज बार जमीन पर गिर गई। ऑरेंज बार क्योंकि वो बर्फ की बनी आइसक्रीम होती है, वो गिर गई। इधर अमित की ऑरेंज बार गिरी, उधर एक कबूतर धड़ाम से गिरा। कबूतर की आंखें खुलती बंद होती देख नील दौड़ के घर गया, एक ढक्कन में पानी भर के ले आया।
कबूतर ने पानी पिया तो उसकी एक तरफ लटक गई जीभ कुछ ठीक हुई। अक्सर जब ये बेहोश होकर परिंदे गिरते हैं तो उनकी जीभ एक तरफ लटक जाती है। इतने में बच्चों में खुद को गिरा हुआ घिर पाकर के वह परिंदा कबूतर डर गया। धीरे धीरे से वह सरकता हुआ झाड़ियों में जा छिपा। राघव ने अपनी सॉफ्टी के कोने का किनारा, सॉफ्टी आइसक्रीम में जो कोन होता है, बिस्किट का कोन होता है उसका, राघव ने अपनी सॉफ्टी के कोन का किनारा तोड़कर उसके पास रखा। कबूतर डरता डरता उसे खाने लगा। देखते ही देखते फुट से उड़ गया। कोमल मन के बच्चे पक्षियों के लिए कुछ करने के बारे में सोचने लगे। आयुष बोला, पानी की कमी के कारण दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखता है। कुआं, तालाब, नदी आदि का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि आज तो इंसान को भी पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हाँ, इंसान को प्यास लगेगी तो पानी की बोतल खरीद कर पी लेगा, किसी से एक गिलास पानी मांग भी सकता है, परंतु पक्षियों के पास तो पैसे नहीं होते जो वे प्यास लगने पर पानी खरीद कर पी ले। ना ही हम उनकी भाषा समझते हैं, हो सकता है वे हमसे भी दो बूंद पानी मांगते हो। कंगना ने अपनी बात पूरी करी भी नहीं थी कि दिया बोली, ठीक है, हम सब दो दिनों तक आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अपने जेब खर्च से पक्षियों के लिए बहुत से मिट्टी के बर्तन और चुग्गा खरीद लाएंगे। सब बच्चों ने दिया की बात पर हामी भरी। दो दिनों बाद सब कुम्हार के पास गए, पक्षियों के लिए 20 मिट्टी के बर्तन खरीद लाए, साथ ही लाए बाजरा। अपनी सोसाइटी के पहले ब्लॉक से लेकर अंत तक कहीं पार्क की मुंडेर पर तो कहीं चबूतरे पर जगह जगह मिट्टी के बर्तन रखाए। राघव ने अपनी साइकिल पर थैले में रखी पानी की बोतलें व बाजरा आयुष व राघव के साथ गए। वे कुछ बर्तनों में पानी व कुछ में चुग्गा भर के आ गए। पक्षियों की चहचहाट बता रही थी कि वे कितने खुश हैं। शाम को बच्चे पार्क में खेलते तो पक्षी पानी पीकर चुग्गा चुगकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए चहचहाने लगते। आसपास के लोगों ने यह देखा तो बहुत खुश हुए, सब बच्चों की तारीफ करने लगे। तब दिया ने मासूमियत से कहा, पक्षियों की खुशी के लिए हमने दो दिनों तक आइसक्रीम का त्याग किया है। तभी पास में खड़े शेखर अंकल ने जेब से नोट निकाले और मुस्कुराकर बोले, लो सब बच्चों के लिए आइसक्रीम मेरी ओर से, अच्छे काम का इनाम। तुमने हम सब बड़ों को अच्छा रास्ता दिखाया है। अब हम सब बारी बारी से इन बर्तनों में पानी और दाना डाला करेंगे। शेखर अंकल के साथ मोहल्ले भर के कई लोगों ने सहयोग करने का वादा किया। देखते ही देखते मोहल्ले भर में मिट्टी के बर्तनों की संख्या बढ़ने लगी। इस अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोगों की तारीफ में पक्षियों ने भी चहचहा के धन्यवाद कहना कभी नहीं भूला। मेरी ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है ना। जी बिल्कुल, जी बहुत अच्छा लगा। पर हमने काफी आपका प्रोफाइल देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि आपने वहाँ पे नेताओं का भी तो आपने लिया ही है, आपने डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू लिया है। ये देखकर मैं देख रहता हूँ, खासकर हिंदी वाले डॉक्टर्स की ओर नहीं जा पाते हैं। और आप क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। 1987 में, असल में मैंने अपने प्रोफाइल में जिक्र नहीं किया है, मैंने 2 साल का महारानी बाग वुमेन्स पॉलिटेक्निक से ब्यूटी एंड हेल्थ, सौंदर्य और स्वास्थ्य का भी डिप्लोमा किया हुआ है। उसकी वजह से मुझे काफी ज्ञान भी प्राप्त हुआ, थोड़ा थोड़ा योग भी, मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य जी के आश्रम में योग भी सिखाया हुआ है मैंने पहले। अब यहाँ योग का जिक्र इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं खुद बहुत मोटी हो गई, सब कुछ छोड़ दिया है तो कहते हुए भी शर्म आती है। तो उस दौरान मेरे को क्यों ऐसा लगा कि एक 1987 में प्लास्टिक सर्जरी तब इतनी प्रचलित नहीं थी हमारे देश में, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे और बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइनें उस पर पैसा खर्च कर पाते थे। तो मैं उस तरफ बहुत सोचती थी कि है क्या चीज, क्या है प्लास्टिक सर्जरी। तो मेरे को मैंने अपने गृहशोभा में अपने बॉस परेश जी, वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। जब मैं कोई चीज कहती थी उन्हें लगता था, मैं बहुत बच्ची थी जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी, मैं 19 साल की थी, तो उनको पता था ये बच्ची है और उत्सुक रहती है हर चीज जानने के लिए, तो इसको मैं मना नहीं करूंगा। तो मैंने कहा मैं प्लास्टिक सर्जरी पे कवर करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे एकदम अनुमति दे दी। मैंने एम्स के डॉक्टर से टाइम लेके, और वो भी बहुत अच्छे थे, डॉक्टर राकेश खजान जी, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा वो सब चीजें सिखाई बताई। मैं फोटोग्राफर को लेके गई, एक एक चीज की फोटो खींची, और वो जो लेख छपा तो इतना सबने उसको पसंद किया क्योंकि उसमें हमने किस तरीके से, उसमें एक बहुत ही दुखदायी घटना थी कि
3 महीने के बच्चे किसी गांव में ट्रैक्टर पे बैठी हुई थी, ट्रैक्टर चल रहा था तो उसका पांव उसमें आके कट गया, पांव अलग हो गया टांग से, और वो लोग तुरंत बच्ची का खून बहता पांव लेके एम्स दौड़े। लेकिन वो इतनी दूर से आए थे कि इतनी देर में बहुत हालत खराब बच्ची की हो चुकी थी, फिर भी डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर भी इतनी छोटी बच्ची, इसका पूरा जीवन सामने पड़ा है, तो मैं इसका पांव जोड़ने की कोशिश करूंगा, आप ढूंढ के लेके आओ। उन दिनों गांव में अंधेरा होता था, बिजली थी नहीं वहां पे, सब गांव वाले बहुत परेशान इस टाइम। और वो कुछ, जब प्लास्टिक सर्जरी की भी ये होता है कि आपका टूटा हुआ अंग भी जुड़ जाता है, मगर उसमें कुछ घंटों का समय होता है जिसमें आप जोड़ सकते हैं, जब तक खून गर्म रहता है उस हिस्से का। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस वक्त तो ढूंढ नहीं पाएंगे, वहां तो हमारे यहाँ बिजली नहीं है। उस वक्त पूरे गांव वाले बहुत मदद एक दूसरे की करते थे, सब ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, हम बच्ची का पांव खेत में से ढूंढ लेंगे, हमें अंदाज तो है कहाँ पे ट्रैक्टर में कटा था उसका पांव। सब लोग, उन्होंने जो मुझे वो वाक्य बताया, मैं कांप गई थी, जो बीनने वाली छलनी होती है, छलनी लेकर के वो सारे लोग गांव वाले खेत में चले गए, उन्होंने सारी मिट्टी को छाना तो किसी तरीके से उनको वो पांव मिल गया। वो लेके आए, उन्होंने वो पांव डॉक्टर ने जोड़ा सर्जरी करके, और उसके बाद मैं भी इतनी धुनी थी उन दिनों कि मैंने वो सारा कवर किया, और फिर मैंने कहा मुझे उस बच्चे को मिलना है, उसको देखना है कि वो पांव क्या उसमें वो आ गया है, मूवमेंट आया है कि नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो तो ऐसे गांव में रहते हैं, वो फोन भी नहीं है, 1987 में फोन भी नहीं था। तो उन्होंने कहा वो जब भी मेरे पास चेकअप के लिए आएंगे, आएंगे वो 3 महीने बाद मैंने बुलाया, आएंगे तो मैं आपको जरूर संपर्क करूंगा और बुलाऊंगा। और वो बच्ची जब आई अस्पताल में दिखाने के लिए, तो मैं फोटोग्राफर को लेके पहुंची, उसके पांव का फोटो खींचा उसको, हालांकि मुझे बहुत दुख भी लगता है सोच के उस बच्चे को, हमने कहा पांव हिला के दिखाओ कि तुम्हारा हिल रहा है कि नहीं, पांव जुड़ा है कि नहीं है। सब चीजें जब कंफर्म हो गई तो उसको बहुत अच्छा लेग का रूप दिया। फिर उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल के भी प्लास्टिक सर्जन, उनसे भी बहुत सारी चीजें ली, किस तरह से किसी की अगर ये ठुड्डी नहीं होती है तो उसको कैसे वो ठुड्डी भी बना देते हैं। उन्होंने बताया कई लोगों को विवाह में कई चीजों की समस्याएं आती हैं, वो सब किस किस तरह से ठीक करते हैं सब। तो उसको इतना पसंद किया गया था लेक को कि हमारे संपादक जी की बस इतनी चिट्ठियां आई, इतनी चिट्ठियां आई, लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी, और घरों में इस तरह की समस्या थी, किसी की 6 उंगलियां कुछ है, उनको सबको सर्जरी कराने की इच्छा हुई। तो मुझे दोबारा अस्पताल भेजा गया उन चिट्ठियों का जवाब लेने के लिए, फिर अगले अंक में उन चिट्ठियों का पूरा जवाब भेजा गया, और फिर सब उस डॉक्टर का पता मांगते थे मुझसे। मतलब मेरे को अभी तक याद आता है कि वो मेरा सबसे अच्छा शायद वो रहा, और उसके बाद बस मुझे हेल्थ की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो गया कि इससे तो लोगों को बहुत सहायता मिलती है, मदद होती है इससे उनकी। फिर मेरा यही काम था, मैं हर अंक के लिए एक स्वास्थ्य का लेख लेने के लिए पूरे एम्स में घूमती रहती थी। मुझे सब मेरे दोस्त मना भी करते थे, कभी मैं कैंसर उसमें घूम रही हूँ, कभी मैं बर्न वाले में घूम रही हूँ, जले की इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है, कभी मैंने ये जो लड़कियों पर तेजाब गिरा दिया जाता है उस पर भी बहुत अच्छे से स्टोरी करी, उनसे मिली, सबसे लक्ष्मी से भी मिली मैं। तो मुझे इस तरह के काम करने में शुरू से बहुत मजा आता है। और मैं आपको जब ये बात चली है तो एक चीज बताती हूँ, मुझे अपने ऑफिस में भी सब लोग कहते थे कि मैडम का बचपना नहीं गया, अभी मैं उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक ऑफिस में जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे हमारे ऑफिस में, किसी भी चीज का कोई भी कॉम्पिटिशन होता था, मुझे पार्टिसिपेट जरूर करना है, और उसके लिए चाहे मुझे रात भर जाग के तैयारी करनी हो, मुझे उसमें फर्स्ट आना है, वो पहला इनाम तो मुझे चाहिए है, चाहे वो रंगोली का कंपटीशन हो, चाहे वो दिया डेकोरेशन हो, कुछ भी हो, मुझे पहला इनाम चाहिए। तो अब मेरे ऑफिस वाले मुझसे इतना तंग आ गए थे कि मैम बच्चों को इनाम नहीं मिल पाता, सारा आप ले जाती हैं, इस साल से हम आपको जज बनाएंगे। अब मुझे वहां पे हर त्योहार पे जज बना दिया जाता था, आप जजमेंट देंगी। तो मुझे आज हमारा जो ये टॉपिक जुड़ा, मैं उससे आज ये भी कहना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, हर इंसान के अंदर। हम क्यों ये सोचने लगते हैं कि मेरी उम्र हो गई है और मैं बड़ा हो रहा हूँ, और मुझे अगर हमें बच्चों के लिए काम करना है, हम सब बच्चों के लिए जब अगर शिक्षक हैं तो हमें बच्चों के बीच में जाके घर की सारी समस्याओं को भूलना पड़ता है, हमें उनके साथ बच्चा बन के ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। बंद और इसी के साथ चलेंगे, बीच बीच में बातें भी होंगी और आपसे हम लोग कहानियां भी सुनते रहेंगे। मैम अगली कहानी आप कौन सी सुना रही हैं? अच्छा
मैं आपको अभी एक कहानी जो सुना रही हूँ, ये मैंने इसी लॉकडाउन में लिखी थी, नंदन में छपी, मतलब छपी नहीं थी, नंदन हमारी छप नहीं रही थी ना उन दिनों, ऑनलाइन आई थी, तो इसलिए शायद बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी, और मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहती हूँ। इसमें मैंने कुछ शब्द ना अंग्रेजी के जान के इस्तेमाल किया है। हमारे उसमें मीटिंग में ये चीज डिसाइड हुई थी कि अब हमें बच्चों को थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द जो की प्रचलन में है वो हमें इस्तेमाल करने देने देंगे हम, ताकि बच्चों का रुझान बढ़ा रहे पढ़ने के लिए। जी, तो जी, जी, आप सुनिए मेरी अगली कहानी है, रिंकी की बर्थडे, रिंकी की बर्थडे पार्टी। दोस्तों के साथ पार्टी, डांस, फास्ट फूड, गिफ्ट और एक पूरा दिन सब में खास बने रहना, वह कितना मजा आता है अपने बर्थडे पर। रिंकी का वह खास दिन आने ही वाला था। बहुत दिन पहले से ही वह खाने की चीजों और पार्टी में बुलाए जाने वाले दोस्तों की लिस्ट बना रही थी, साथ ही अपने बर्थडे गिफ्ट में मम्मी पापा से मिलने वाली रोबोटिक सोनोरिटा की रट लगाए रोज ही रही थी। खेलते कूदते या पढ़ते समय जब भी बर्थडे पार्टी की तैयारी के बारे में उसे कुछ याद आता तो उसी वक्त लिस्ट में जोड़ लेती अपनी सोनोरिटा की जिद। अभी 2 महीने पहले ही तो रजत भैया का जन्मदिन मनाया गया था। रिंकी चाहती थी कि भैया की पार्टी से भी ज्यादा मजेदार हो उसकी बर्थडे पार्टी। रात को पापा टीवी पर न्यूज देख रहे थे, तभी उसमें कहा गया कि कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता ही जा रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में सभी स्कूल कई दिनों तक बंद रहेंगे। पापा ने रिंकी को स्कूल की छुट्टियों की बात बताई तो वे खुशी से छलांगे लगाने लगी और बोली, पापा लव यू, मैं बहुत खुश हूँ, आप छुट्टियों में बर्थडे मनाने का मजा आ जाएगा, वाह, देर रात तक पार्टी करेंगे, स्कूल जाने के किसी भी दोस्त को फिक्र नहीं होगी। अगले ही दिन मम्मी पापा के साथ मॉल जाके रिंकी ने फ्रिल वाली सुंदर पार्टी ड्रेस खरीदी, सिर पर लगाने के लिए क्राउन भी खरीदा। वे बार बार मम्मी को थैंक्स कह रही थी। घर पहुंच के उसने ड्रेस पापा को पहनकर दिखाई। पापा ने तुरंत मोबाइल फोन से रिंकी की फोटो खींची और बोले, वाह, एकदम परी लग रही है मेरी मेरी बिटिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि खबर आई थी कई देशों में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस हमारे देश में भी आ गया है, सब बहुत परेशान है। देखते ही देखते कोरोना रिंकी की सोसाइटी में भी आ गया। अब तो लोग घरों में बंद होकर बैठ गए ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। रविवार की सुबह रिंकी की नींव खुली तो उसके कानों में मम्मी पापा की बातों की आवाज आई। मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि रिंकी की बर्थडे पार्टी के लिए होटल में बुकिंग की हुई थी। साथ ही मम्मी कह रही थी कि रजत का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया था, अगर रिंकी का नहीं मनाएंगे तो वे गुस्सैल बहुत नाराज हो जाएगी। इतने में रिंकी धीरे से बिस्तर से उठ के मम्मी पापा के पास गई। उसने देखा कि मम्मी की आंखों में आंसू थे। वे गुस्सैल और जिद्दी रिंकी एक ही पल में समझदार लड़की बन गई। मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, आपने तो मेरे बर्थडे की सारी तैयारियां की हैं, आपका क्या कसूर, आप दुखी ना हो, मुझे तो पता है कि कोरोना नाम का एक राक्षस आया हुआ है। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए पार्टी करके मम्मी पापा दादू भैया और प्यारे दोस्तों को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी। कल टीवी में बता रहे थे कि एक दूसरे के बीच हमें कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, बार बार हाथ साबुन से धोने हैं, तो आप ही बताओ ऐसे में कैसी पार्टी होगी, ना साथ साथ बैठेंगे ना नाचेंगे, और मेरे दोस्त मास्क लगाकर आएंगे, गाना भी नहीं गा सकेंगे, खाएंगे पिएंगे भी डर डर कर, ना मुझे मुझे नहीं करनी ऐसी पार्टी। पर तुम तो कई दिनों से पार्टी की तैयारी कर रही हो, पापा बोले। पापू मैं अगर इस साल बर्थडे पार्टी नहीं करूंगी तो ना तो मेरी लंबाई कम हो जाएगी ना ही बुद्धि, रही बात गिफ्ट की, वह कमी तो आप पूरी कर ही देंगे, रिंकी ने दुखी होकर नहीं मुस्कुराते हुए ये बात कही थी। मम्मी पापा हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी रजत भैया कमरे में आए और बोले, आज पहली बार की है तूने कोई समझदारी वाली बात, आज तूने साबित किया है कि तेरी पढ़ाई पर किया हुआ खर्च बेकार नहीं गया, चल इसी बात पर मैं तुझे कार रेसिंग वाली कंप्यूटर गेम ले दूंगा। रिंकी ने भैया से सुबह सुबह बहस नहीं की, बस चुपके से मुंह चिढ़ा दिया। दादू चुपचाप बैठे बहुत देर से सबकी बातें सुन रहे थे, बोले, और रिंकी बेटा जो तू मेरे साथ जाकर दोस्तों के लिए बहुत सी रिटर्न गिफ्ट यानी वे चिप्स और टॉफियों के पैकेट लाई थी, वे हम रैन बसेरा में आने वाले बच्चों के लिए भिजवा देंगे। बेटा जी रैन बसेरे में दाल चावल रोटी सब्जी
उन लोगों को दिए जाते हैं, पर चिप्स और टॉफियां लेकर वे तुम्हें दुआओं के गिफ्ट देंगे। घर में सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, पर सच्चाई ये थी कि रिंकी मन ही मन बहुत तो दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए हमेशा की तरह बहुत धूमधाम से बर्थडे मनाना चाहती थी, और घर में भी सब उसके बर्थडे की तैयारियों में जुटे हुए थे, पर कोरोना ने उसकी सारी प्लानिंग चौपट कर दी थी। बर्थडे वाला खास दिन भी आ गया। रिंकी ने नए कपड़े पहने, भैया ने उसकी बहुत सी फोटो खींची, पापा उसे देख के खुश होकर बार बार कह रहे थे, रिंकी तो बिल्कुल परी लग रही है, पापा की परी। मम्मी ने पूरी चने पनीर की सब्जी के साथ बनाई थी, इलायची वाली स्वादिष्ट खीर। पापा ने अलमारी के ऊपर से एक लाल चमकती पैकिंग वाला डिब्बा उतारा। मम्मी ने रिंकी के गाल पर प्यार से चिकोटी काटी और बोली, हमने पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुम्हारी रोबोटिक सेनोरिटा। रिंकी खुशी से नाचने लगी, भैया से बोली, चलो मेरी सेनोरिटा के साथ बहुत सी फोटो खींचो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि इसके साथ 1.5 मीटर की दूरी भी नहीं रखनी होगी। भैया की खींची फोटो उसने सोशल साइट पर अपलोड की, साथ ही मैसेज लिखा, इस परी का संदेश है कि मेरी तरफ से आप सब भी बड़ों का कहा मानो, क्योंकि हम सबको मिलकर कोरोना राक्षस को मार गिराना है, फिर से सुंदर संसार बनाना है। कुछ ही देर में उसकी फोटो देख के सामने दोस्तों और रिश्तेदारों के ढेरों लाइक और कमेंट आ गए। चिक्की ने तो बहुत अच्छा मैसेज लिखा, हम सब ने ठाना है कोरोना को मार गिराना है, और हैप्पी बर्थडे रिंकी। बस बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। और विश्वास मानिए कि अभी अभी के समय में, खास करके कोरोना काल के समय में, हम सभी को काफी सजग होना है, और लेखन के मार्फत से जन जन तक को इस बात को दूर दूर तक पहुंचाना, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन आई है, परंतु सरकार के मार्फत से कहा जा रहा है कि सावधानी जरूरी है और 2 गज की दूरी भी जरूरी है, और मुख पर मास्क लगाना भी जरूरी है। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी में बहुत बेहतर पंक्ति सुनने को मिलती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरे ख्याल से उस पर हमको ध्यान देना चाहिए और हम सभी को आगे पढ़ना चाहिए इस पर। मैम, इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, या फिर प्रश्न के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता। प्रश्न ये है कि खास करके कोरोना काल में हम शिक्षक जो हैं ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े हुए थे, और काफी हद तक काफी असुविधाएं भी हुई हम लोगों को, परंतु इसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश की कि काफी कुछ किया जाए। और देखिएगा कि जिन शिक्षकों के पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, उन लोगों ने खरीद कर पढ़ाया। जो कभी उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किए थे, वो लोग भी उतरे और खरीदे और सीखे, और सीख कर मैदान में उतर पड़े और पढ़ाना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। और मैं इसी से ये जुड़ा हुआ एक आपको ये मैं प्रश्न करना चाहता था कि लेखकों को खास करके अभी जो है कहानीकार हैं, उनका रुख शिक्षकों की ओर भी बढ़ना चाहिए कि शिक्षक क्या अनुभव करते हैं। ये कहीं ना कहीं खालीपन मुझे दिखता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शिक्षक के ऊपर लिखा जाता तो कहीं व्यंग हुई अधिकतर सुनाई देता है। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए लेखन की दुनिया में, हाँ, जहां पर जितने भी लेखक हैं, जो भी हैं, कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनसे गुजारिश है कि शिक्षकों की पीड़ा भी आप समझिए और शब्दबद्ध कीजिए, और सही रूप जो है वो समाज तक पहुंचाइए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है। इस पर आपका क्या विचार है मैम? हम लोग इस चीज का सच में कह रही हूँ, हम नंदन पत्रिका में खास तौर से ध्यान रखते थे, क्योंकि अभी मेरे नंदक के बहुत सारे पाठक और बहुत सारे हमारे लेखक लेखिकाएं भी जुड़ी हुई होंगी, उनको भी मैं नमन करती हूँ, लेकिन मैं उनसे क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि हम उनकी वो चीजें पास नहीं किया करते थे, वो हम छापा नहीं करते थे, उन चीजों को हटा दिया जाता था जिसमें कोई भी मारकाट इस तरह की चीजों, खास तौर से शिक्षकों पे व्यंग्य हो, शिक्षक के को सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम ये शिक्षक और पत्रकार की दूरी, खास तौर से बच्चों के लिखने वाले बाल साहित्यकारों के बीच की दूरी को खत्म किया जाना चाहिए, उनके बीच में आपस में वो रहना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे की बात को वो कह सकें,
बच्चों तो कहाँ तक कैसी बातें पहुंचानी है। जो अभी आप बात कह रहे थे शिक्षकों को कितनी दिक्कतें हुई, उसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। बच्चों ने शिक्षकों को हर तरह से वो भी किया है कि कभी पीछे कोई दूसरी स्क्रीन लगा ली, ब्लर कर लिया, कभी ये कह दिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो हम कक्षा में जो आप उन्हें सामने देख सकते हैं या उन्हें एकदम टोह सकते, इसके पास इसका जी जवाब नहीं है, जी इसलिए बच्चे ने ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पे शिक्षकों को जो दिक्कतें आई हैं, मैं उनको बिल्कुल बिल्कुल समझ सकती हूँ और उन सब शिक्षकों को नमन करती हूँ जिन्होंने इतने कठिन समय में भी बच्चों को कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनका सिलेबस कंप्लीट कराने में। बिल्कुल 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 इससे संबंधित मैं ये कह कुछ ऐसा वाक्य बताइए जहां पर किसी आपने चाइल्ड आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया और हिंदी वहां से एक नई रूप में ढलती हुई सी दिखी हुई उस बच्चे के मार्फत से। ऐसा तो मुझे कुछ खास नहीं ध्यान आ रहा क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुंबई रहते हैं। मुंबई वाले बच्चों को तो मुझे हिंदी सिखानी समझानी पड़ती थी कि मैं ये पूछना अच्छा चाह रही हूँ। ठीक जितने है बच्चे वहां के हैं वो लोग मराठी ज्यादा जानते हैं और हिंदी के हिंदी से काफी परे हैं। हिंदी हिंदी भाषी होने के बाद भी वो वहां पे मराठी को ही महत्व देते हैं, हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जी हाँ जी ये है कि बच्चों ने पता नहीं क्यों नंदन को हाथों हाथ लिया। हिंदी की पत्रिका होने के बाद भी मुंबई में बहुत पढ़ी जाने लगी है, बहुत इसको महत्व दिया जाता है। लेकिन जी किसी जी बच्चे ने कोई ऐसी बात कही हो कि हिंदी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा हिंदी के बारे में। हिंदी के विषय में बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे एक और कहानी हो जाए। जी जी अब मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को जब हम लोगों का हम अपने दौर से बच्चों को जोड़ नहीं सकते। आज के की बच्चे जो हैं बिल्कुल ही आपको पता है तकनीक से कैसे जुड़े हुए हैं, है ना, जी जी टेक्नोलॉजी जी से जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल हम उन्हें बिल्कुल अपने साथ अपने अपना जो हमने किया हम उन्हें उनसे वो उनसे वो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारे महाभारत है, रामायण है, मुझे लगता है कि वेद पुराण वो सब चीजें बच्चों तक हमें पहुंचानी होंगी। हमारे दौर में मुझे अच्छे से याद है मेरे जब 10वीं के इम्तिहान हुए थे तो मेरी दादी जी बहुत ज्यादा इस चीज में सख्त थी कि आप लोग उसमें सिर्फ मस्ती नहीं करोगे। तो सुबह उठ के मेरा ये काम होता था नहा के और सुबह बैठ के रामायण पढ़नी ही पढ़नी है मुझे। तो आज के बच्चे को अगर आप कहेंगे आप सुबह छुट्टियों में उठ के रामायण पढ़े, उनके हाथ में लैपटॉप मोबाइल तो हो सकता है, रामायण नहीं हो सकती। और मैं बहुत से ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो रामायण की चौपाइयां जिनको कंठस्थ हैं, पर वो बहुत कम है, गिने चुने बच्चे हैं। तो मैं आज छोटी सी एक कहानी बना के लाई हूँ महाभारत से। इस पर मैं एक बात अवश्य जी कहना जी चाहूंगा जी मैम, कहीं ना कहीं संस्कार जो है अगर इस चीज को अगर उतार दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि बिल्कुल हो सकती हैं बच्चे। क्योंकि हाँ हाँ जी जैसे बच्चों ने आपने देखा होगा धारावाहिक आए थे रामायण महाभारत, बच्चों ने बहुत चाव से देखे थे, उन्हें देखा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मेरे को, मैंने बहुत बच्चों से मैं बात करती रहती हूँ, सबने चाव से देखा। लेकिन पढ़ने की तरफ क्यों बच्चों का रुझान इतना कम होता जा रहा है, खासतौर से हिंदी भाषा पढ़ना क्यों उन्हें कठिन लग रहा है, मेरे को एक बात कहते हुए बहुत दुख भी लग रहा है। मेरे पास बहुत से अभिभावक आते हैं कि हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ा दो, मुझे सुन के ये अचंभा होता है कि जो हमारा दौर था उस टाइम में सिर्फ मैथ्स और अंग्रेजी या साइंस तीन सब्जेक्ट से जिसका आप ट्यूशन पढ़ते थे, हिंदी की ट्यूशन कोई नहीं पढ़ता था। हिंदी तो घर में ही सब बातचीत में ही सब बच्चे सीख जी जाते थे। और आज के बच्चे खास तौर से जो आपके कॉन्वेंट स्कूल के जितने बच्चे हैं वो ज्यादातर उनसे पूछो आपको सबसे कठिन विषय क्या लगता है तो हिंदी लगता है। क्योंकि हिंदी मुझे लगता है कि हम लोग शायद वहां तक वो चीजें पहुंचा नहीं पा रहे जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, आसान भाषा खेल खेल में। और मुझे लगता है कि शायद मैं ठीक हूं कि नहीं, मैं कहना चाहूंगी स्कूलों में ना इस तरह के हिंदी के लिए खास तौर से निबंध प्रतियोगिताएं ये सब ज्यादा बढ़ने चाहिए हैं। जैसे हमारे दौर में भी स्लोगन प्रतियोगिताएं वगैरह होती थी, बच्चों का रुझान बढ़ता और खास तौर से इनामी प्रतियोगिताएं जी जी उसमें जी वो जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो इसी बहाने सीखेंगे, इसी बहाने कहीं से चीजें खोजेंगे। कुछ इस तरह का प्रतियोगिता हो जाए कि 10 महाभारत से प्रश्न पूछ लिया आपने,
तो इसका जवाब जो बच्चा पहले देगा, सही जवाब देगा, उसको ये इनाम मिलेगा। तो वो इनाम के उसमें कर भी लेते हैं कई बार। जी बिल्कुल, तो और ये छोटी हमारा सी मानना यह, कहानी। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए कहिए। मैं यही कह रहा था कि ये बहुत हद तक शिक्षक पर भी निर्भर करता है, शिक्षकों पर जी भी निर्भर करता है, वो किस प्रकार से वो बच्चों को ले जाना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जी हाँ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैडम शिक्षक पे तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है, बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब जी मैं जो बिल्कुल छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, ये महाभारत से इसका जिसको कहते हैं प्लॉट लेना कहते हैं ना, वो है, और इसको बनाया गया कहानी। हाँ बढ़ चढ़ा रथ, कौरव पांडवों के बीच युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। फिर भी युधिष्ठिर चाहते थे कि युद्ध ना हो। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कृपया आप हमारे दूत बन के कौरवों के पास चले जाएं, हो सकता है कि आपके कहने से युद्ध टल जाए। श्री कृष्ण कौरवों का स्वभाव भली भांति जानते थे, पर उन्होंने दूत बनना फिर भी स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण के जाने की खबर धृतराष्ट्र को मिली, वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, यही अच्छा मौका है, अब तो श्री कृष्ण हमारे ही साथ होंगे। श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में चारों ओर सजावट की गई। निश्चित दिन कौरव नगर के बाहर श्री कृष्ण का स्वागत करने आए। ठीक समय पर श्री कृष्ण का रथ आया, तभी कौरवों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया और महल में चलने को कहा। महल में पहुंचकर भोजन और विश्राम की बात कही। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, दूत का कर्तव्य पहले अपना काम करना है, भोजन और विश्राम की बात बाद में होगी। सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा, पर क्रोध दबाकर बोला, आप पांडवों के दूत हैं तो हमारे भी संबंधी हैं, आपको हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, भूखे को भोजन की जरूरत सबसे पहले होती है, मगर ऐसे में वह कहीं भी ठहर सकता है। मैं तो वहीं ठहर सकता हूँ जहाँ प्रेम है। मुझे तुम्हारे अंदर असली प्रेम दिखाई नहीं देता। ये कहकर वे विदुर की कुटिया की तरफ चले गए। कौरव हाथ मलते रह गए। श्री कृष्ण को अपनी बातों में फंसाने की उनकी योजना धरी की धरी रह गई। बस इतनी ही कहानी है। छोटी परंतु बहुत मार्के की है। जी हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है हमें बच्चों को कहानी। बस थोड़ा बहुत जोड़ने के लिए ही ये मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी उन तक महाभारत से भी पहुंचाई जाए। और हम लोग अपनी नंदन पत्रिका में ध्यान रखते थे कि हमें बहुत से पत्र आते थे कि आप परिकथाएं मत दो, आप प्राचीन कथाएं मत दो बच्चों को, आजकल के बच्चों का कोई उससे रुझान नहीं है, ये नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हमारी दुनिया में अपनी दुनिया हम अपने अलग रखें, बच्चों की दुनिया में झांक के देखना चाहिए। और वैसे भी बच्चों की सबकी, आप अगर दिल्ली में बैठे हैं तो आप दिल्ली की बात करेंगे, आप बाहर दूसरी राज्यों की बात करिए। किसी बच्चे का बिल्कुल किसी में रुझान हो सकता है, किसी का किसी में, और उन तक ज्ञान पहुंचाना जरूरी नहीं है। आपको परिकथा नहीं पसंद, नहीं 10 परिकथा दीजिए, आप एक परिकथा हो सकती है पत्रिका में। तो हम इस तरह की पुराण और रामायण और इससे छोटे छोटे हिस्से उठा करके उसको कहानी का रूप लेकर के बच्चों तक पहुंचाते थे। बहुत बेहतरीन काम, और शायद आने जी वाले समय में फिर से चीजें नॉर्मल हो जाएं, और मुझे क्यों तो उम्मीद है कि नंदन जो हमारा नंदन जो है फिर से वो नंदन कानन की तरह जगमगा उठे और खुशहाल जी हो उठे, फिर से खुले। बिल्कुल, जी क्योंकि नंदन हम सभी पढ़ते थे और जुड़े हुए थे, बालपन से जुड़े हुए हैं, और आशा ही नहीं विश्वास है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आने वाले समय में जरूर होगा। जी हाँ जी मैम, और कुछ आपसे जानना चाहते हैं और जी सुनना कहिए। चाहेंगे। जी मैम, यदि कहानी कोई लिखता है, लेखन की दुनिया में जब उतरता है, तो आप अपनी दृष्टि से उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कहानियां आपको कहीं पे ये सोचेंगे ना कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठ के कहानी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कहानियां हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, हर इंसान के इर्द गिर्द कहानियां होती हैं। सिर्फ आपको उसको बटोरने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। अभी आपने कोई बिल्कुल बात की, उसी से मैं एक कहानी तैयार कर लूंगी। क्योंकि मेरा आप जब कहानी लिखने लगते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा डूबना पड़ता है, उन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी आसपास बातें होती हैं जिनको करना पड़ता है। और कहानीकार को मैं, क्योंकि जैसे हमने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में किया था, पढ़ा था, यहाँ पे मैं अभी बहुत देख रही हूँ,
बाल साहित्यकार खास तौर से कहना नहीं चाहिए, नकल का धंधा बहुत चल गया। कॉपीराइट हमें पढ़ाया जाता था कि उस पर बहुत सख्ती से कभी भी आपके ऊपर कानूनी वो हो सकता है, तो आपको वो चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप नकल मत करो आप। और जिसको लिखना है मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, खासतौर से बड़े बड़े लेखक वो आप पढ़िए। जिस तरीके से नंदन में ही हमारे यहाँ कहानियां लिख के कुछ लोग भेजते थे, ऐसी कहानी लिखते थे उसका गला काट दिया, उसका खून निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहती थी प्लीज आप नंदन को पहले पढ़िए, आप जिसके लिए लिख रहे हैं उस पत्रिका को, उस चीज को आप पढ़िए, उसमें किस तरह का क्या उनकी शैली है, किस तरह की चीजें छपती हैं। उसके बाद आप जैसे कोई भी नया युवक भी, कोई युवा आता है युवा लिखने के लिए, तो उसको भी मैं ये सलाह दूंगी पहले आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छे अच्छे आप मत किताबें पढ़िए, आप नेट में इंटरनेट में जाइए, वहां हिंदी की बहुत चीजें रखी हैं, आप पढ़िए उन्हें, देखिए किस तरह से लिखा जाता है। और खास तौर से अगर बच्चों के लिए लिखना है तो हमें तो सबसे पहले यही सिखाया गया था, वाक्य छोटे हों, सरल भाषा हो। भाषा बहुत कलिष्ट होगी तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कोई भी चीज, बच्चा वो पढ़ना नहीं चाहेगा कि मैंने ऐसी भाषा लिख दी कि वो हर वक्त मम्मी या पापा के पीछे भागता रहे कि माँ इसका क्या अर्थ है, इन्होंने हिंदी में जो लिखा है इसका मुझे अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो वो कहानी वहीं छोड़ देगा, उसको नहीं समझ में आएगा। और या ये भी नहीं कह सकते ये लो शब्दकोश इसको रखो साथ में और फिर कहानी पढ़ो, वो नहीं होना चाहिए। बाल साहित्यकारों को इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो स्वयं बच्चे बने और वो बच्चे की जूती जो है उसमें अपना पैर डालें, तो सही माने में आप बाल रचनाकार होंगे। जी हाँ मैम, और एक बात, खास करके जब हम लोग कहानी पाठन, हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षकों को कहानी पढ़ते वक्त या वाचन करते वक्त किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैं अभी उनका खुद भी ध्यान नहीं रख पाई, मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि हम लोग खुद बहुत ज्यादा वाचन नहीं कर पाए अभी तक, आप लोगों के पटल पे आने का मौका मिला, तो मैं कह रही हूँ उस वक्त हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, जहां पूर्ण विराम है वहां थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद अगला, ताकि बच्चा उस चीज को समझ सके, उस तक पहुंच जाए हमारी बात। और थोड़े उसमें जैसे हम थोड़ी तेजी ले आते हैं, समय की कमी है, हमें आधे घंटे का ही समय मिला है, हम तेज पढ़ जाते हैं, तो जब हम बच्चों को सुना रहे हैं तो कहानी को रुक रुक के। और मेरे को लगता है कि जब शिक्षक कोई पढ़ा रहा होता है, सुना रहा होता है कहानी, जैसे कि मैं भी जाती हूँ स्कूल में, तो बच्चे रोक के पूछते हैं, उस वक्त रोक के पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। अगर रिंकी का जन्मदिन था तो वो, आपने तो लिखा वो बड़ी गुस्सैल थी, वो मान कैसे गई, तो फिर वहां पे रुक के उनको उनकी जिज्ञासा को पूरी करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा 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 हुआ, कोरोना इतनी बड़ी चीज थी, उनके पेरेंट्स ने इतने अच्छे से सिखाया, उसने टीवी में देखा, कई जगह देखा होगा, वो समझ गई उस चीज को। इस तरह से मुझे लगता है कि बच्चों की जिज्ञासा को हर वक्त पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं वहां जाती हूँ स्कूल में, मैं उन्हें पहले कह देती हूँ आप मुझे 1 घंटे का समय दे रहे हैं पर मुझे 2 घंटे का चाहिए, 1 घंटे का देंगे तो मैं 2 घंटे लगाऊंगी, मैं बच्चों की जिज्ञासा पूरी जो वो पूछते हैं पूरा अच्छे से। और जैसे मैं जजमेंट देती हूँ उनके, कई हम निबंध प्रतियोगिताएं और पहेली प्रतियोगिता ये सब करवाते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे समय चाहिए कि मैं बिल्कुल निर्णय उनका सही दे सकूं, ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, 1 घंटा आपने दिया और चलो जो पहले आया उसी को प्रथम इनाम दे दिया जाए, उससे मुझे बहुत कष्ट होता है घर में आकर के। तो मुझे लगता है शिक्षकों को इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, एकदम सही सही हर चीज सही होनी चाहिए। कहानी वाचन के टाइम पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सही, यानी कि घंटी बजने वाली है फटाफट फटाफट पढ़ के खत्म कर दो, बच्चे को समझ आए सुनाई दे, बीच में वो छोड़ गया है कुछ है। और फिर आप लोग तो खैर ध्यान रखते ही होंगे कि सब कोई आपस में बात नहीं कर रही है, नहीं पूरा उनका ध्यान वहां होना चाहिए, आपका इतना रोचक तरीका होना चाहिए, आप इतना उनमें डूब के उनके साथ झूम के किसी भी तरीके से बता रहे हैं कि उनका ध्यान परे ना हो, वो पूरी तरह से उसमें डूबे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये प्रश्न थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं आपका वो पढ़ रहा था बायोडेटा जो है, उसमें मैम आपने बहुत सारे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का भी आपने ये लिया है, इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है, उसमें मैं ये जानना चाहता था कि कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जिनकी पकड़ हिंदी पे बहुत अच्छी होगी, जी, ऐसे कोई बहुत है? लोग मिले,
जी जी बहुत लोग मिले, और मैं इस चीज के लिए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, हस्ती नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे मैं, ईश्वर की कृपा है, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ। मैं अब्दुल कलाम जी से मिली हूँ, मैं प्रणब मुखर्जी से मिली हूँ, प्रतिभा पाटिल जी से मिली हूँ, फिर आपकी बॉम्बे की तो बहुत सी हस्तियां हैं जो मुझे अच्छे से जानती हैं। अभी हेमा मालिनी जी से बहुत अच्छा उनका हमने अभी वीडियो बना के इसमें करा, कैलाश खेर जी मुझे फोन करते रहते हैं, बहुत लोग जानते हैं, पर ये है कि हिंदी में जिसकी पकड़ है वो कैलाश खेर जी हैं। कैलाश खेर जी हिंदी का एक शब्द गलत नहीं पसंद करते, और उनके ऊपर तो मैं पूरा एक, बहुत चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं जो मैं कभी वक्त फुर्सत में बताना चाहूंगी, कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना बड़ी हस्ती होने के बाद वो किस तरीके से हिंदी की बिल्कुल गलती पसंद नहीं करते। ऐसे मेरे को सुषमा स्वराज जी को सुनने का मौका मिला था, उनको बहुत करीब से सुना, और उनसे जब मैंने वार्तालाप किया तो जो उनकी हिंदी थी मैं बता नहीं सकती, कितना उनको ज्ञान था हिंदी का, बहुत सुंदर हिंदी। यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी बहुत अच्छी हिंदी बोली थी, किरण बेदी जी ने अपनी हिंदी के माध्यम से बांध लिया था हमें एकदम से, पूरे मीडिया, असल में कॉन्फ्रेंसेस मैंने बहुत अटेंड की हैं, जी बड़े जी बड़े लोगों से मिली हूँ, तो सब इन लोगों की जो बड़े हैं वो सच में बड़े हैं, उनके अंदर कुछ काबिलियत है। सुषमा स्वराज जी की हिंदी की तो मैं आज तक बस बता नहीं सकती, कि मैं हैरान रह गई थी कि इतनी अच्छी हिंदी आती है कि वो कुछ शब्द ऐसे बोलेंगे जो मुझे भी ज्ञान नहीं होगा जिनका। पठन, और कहा जाता है कि अध्ययन का जो सही माने में कहा जाए कि ये परिणाम है, जितना आप पढ़िएगा उतना आप बढ़िएगा। जी सुक्तियां दोहे हाँ, सब ऐसे याद रहते थे जी सुषमा जी मैं को। भाषण में जैसा कि आपने सुक्तियां और जैसे मुहावरे वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं खास करके, तो इसमें सबसे ज्यादा ये भाषण देते हैं या फिर हम लोग किसी से बात करते हैं, तो वहां किन चीजों को खास करके ध्यान में रखना चाहिए? देखिए निर्भर करता आप किससे बात करते हैं। अभी तो मेरे को मतलब बहुत अजीब सा भी लगेगा कि हमारे मैं बहुत सारे विदेशियों को जानती हूँ जो हमारे भारत में आकर के बहुत अच्छी हिंदी सीख के जाते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप उन्हें देख के नहीं कह सकते कि वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारे ही देश में बहुत से हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। कुछ शब्द मैं उनसे इस्तेमाल करती हूँ या दोहा या कोई मुहावरा इस्तेमाल करती हूँ तो पार्डन, उनका पहला शब्द होता है पार्डन, हम तो समझे ही नहीं आपने बोला क्या है, या वो दिखावा करते हैं तो, या फिर सच में अधकचरा ज्ञान है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह का वो करते हैं कि हिंदी तो हम जानते ही नहीं, उनके साथ तो बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में, बहुत सरल भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन जी जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे आप शिक्षण के उसमें करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें बीच बीच में मुहावरे दोहे सब आने चाहिए, बिल्कुल आने बिल्कुल चाहिए, वही सीखने की बिल्कुल उम्र होती है। और वो जो आप लोग मजे मजे में पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में सिखा देते हैं ना, वो सारी जिंदगी याद रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, यदि और कोई कहानी आप सुनाना चाहें तो हम सुनना जरूर चाहेंगे। मैं छोटी सी एक कहानी और सुना देती हूँ, वैसे तो कहानियां मुझे लगता है, पता नहीं लोग सुन खुश भी हो रहे कि नहीं, इतनी सारी कहानियां एक नहीं, दिन बिल्कुल बिल्कुल, कहानियों में अंतर कहानियां भी आए हैं जिसको हम लोग सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। स्वागत मैडम जी। धन्यवाद। अब मेरी एक कहानी है, इसको मैं ये कह सकती हूँ, मैंने वैसे इसका अभी तक शीर्षक कुछ वो नहीं करा, इनाम, इनाम में मिली मोटरसाइकिल। सर सर चलती हवाएं और सड़क के किनारे बड़े से तंबू में एक रोड शो हो रहा था, चटक रंगों से बड़े अक्षरों में लिखा था इनाम में मोटरसाइकिल। उस राह से गुजरता शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका ध्यान इनाम की खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ ना गया हो। तंबू में वह तंबू में पहुंचती एक रंगीली सुनहरी मटकी में हाथ डालकर उनमें से निकली पर्ची पे लिखे प्रश्न का उत्तर तुरंत देना था। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन की तरफ से यह प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें एक साथ केवल 5 प्रश्नों के सही हल देने वाले को ही चमकती कार मोटरसाइकिल में मिलनी थी। सुबह से मोटरसाइकिल की चाह ने लगभग पूरे शहर को दीवाना बना दिया था। मीडिया के भी कई लोग भाग्यशाली विजेता का कैमरे में कैद करने के लिए बेताब थे। अखिल और प्रमोद स्कूल से लौटकर आ रहे थे। अखिल ने कहा, चलो हम भी अपनी बुद्धि की परीक्षा दें। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर लोगों ने एक दो या तीन से अधिक
सही उत्तर न दिए थे। आयोजकों की टीम भी परेशान थी कि शायद आज इनाम किसी को ना मिल पाएगा। अखिल ने तंबू में प्रवेश करते ही एक फॉर्म भरा और चमचम करती सजीली मटकी में हाथ डाल दिया। एक के बाद एक प्रश्नों के जवाब देता चला गया। चौथे प्रश्न का सही उत्तर मिलते ही लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अखिल की ओर सब देखने लगे। अखिल ने आंखें बंद करके ईश्वर को याद किया। पांचवें प्रश्न को पढ़कर तुरंत उत्तर दे दिया। देखते देखते मीडिया वाले वालों ने अखिल को घेर लिया। उससे पूछा गया कि सुबह से बड़े बड़े लोग जिन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए, तुमने सभी सभी प्रश्नों के उत्तर सही कैसे दे दिए? मीडिया की भीड़ में घिरा अखिल मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा बाल पत्रिकाओं में विज्ञापनों को बहुत ध्यान से देखता पड़ता था, साथ ही गैस तेल पानी आदि की बचत से संबंधित होर्डिंग बैनर अखबारों में छपे विज्ञापन आदि बहुत ध्यान से देखता था। बस वे सब बातें इन प्रश्नों में छिपी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये इनाम मिल जाएगा। मैं तो यूं ही किस्मत अजमाने चला आया था। भीड़ से लोग उचक उचक कर अखिल को एक नजर देख लेना चाहते थे। अखिल की माँ बहुत दिनों से उसके पापा को स्कूटर खरीदने के लिए कह रही थी। हर बार घर के बजट से रुपए बचाना कठिन हो जाता था। अखिल ने इनाम में मिली मोटरसाइकिल की चाबी अपने पापा को थमाते हुए उनके पांव छू लिए। पापा ने अपने स्कूटर के लिए बचाए रुपयों से अखिल को साइकिल लेकर दी, साथ ही दी ढेरों बाल पत्रिकाएं जिनके कारण अखिल ने जीता था इनाम। अखिल की दादी बार बार उसकी भलाइयां लेकर कहती जाती, ऐसा बच्चा तो भगवान सबको दे जिसने मनोरंजन के साथ साथ अच्छी बातों को ध्यान में रख के हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। छोटी छोटी कहानियां लिखती थी मैं इस तरह से कि बच्चों तक बात पहुंच जाए, कि जो विज्ञापन होते हैं उनमें भी, जैसे अभी हमारे कोरोना वाले जितने भी विज्ञापन थे, वो विज्ञापन हम लोग एक्साइट कर देते थे, कोरोना अलग कर दो, लेकिन उसमें जो बातें कई बार इतनी काम की बातें लिखी होती हैं, और उसको अगर वो बच्चे का ध्यान उसमें उन बातों को ध्यान से पढ़ा तो उससे कभी बड़ा इनाम भी मिल सकता है आपको। बहुत सुंदर मैम, आपको हम लोगों ने काफी देर तक रोक के रखा और बहुत कुछ जाना सीखा, और विश्वास है कि हम जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर या फिर नवोदित जितने भी लेखक हैं, वो निश्चित तौर पे आपकी बातों को गांठ में बांधे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी। मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हिंदी शिक्षण का, हिंदी हिंदगी है जिंदगी, और समाज्ञा की पूरी टीम का मैं नमन करती हूँ सबको, और खास तौर से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उन सबको नमन करती हूँ। और हम लोग इस तरह से कभी भी चर्चा कर सकते हैं, अगर किसी से हमारी छोटी सी बात से हिंदी की कोई सेवा हो और कुछ भी किसी को ज्ञान मिले तो बहुत अच्छी बात है। और आपको धन्यवाद जी, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप बार बार आए, और मैं चाहूंगा कि इस मंच में या मंच से कुछ हमारे हिंदी के प्रेमी जो हैं उस तरफ में हैं, आपसे संबंधित हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाए, और आपको पूरी तरह से तैयार होकर मैं चाहूंगा कि आप इसे जुड़े, हमसे जुड़े। जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है। जी बिल्कुल मैडम, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः नमन, और जितने हमारे श्रोतागण जुड़े हैं आपको भी नमन। यूं ही जुड़ते रहिए और हिंदी की सेवा कर, नमस्कार, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, नमस्कार।